दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे या फिर नहीं, इसका फैसला अगले 24 घंटे में होने वाला है। कैसे वो बताएंगे आपको इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 20 जून को ही निचली अदालत से नियमित जमानत मिल चुकी, लेकिन उसके बाद ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्टे के लिए एप्लीकेशन लगाई, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई पूरी हो गई थी और जज सुधीर जैन ने ऑर्डर रिजर्व करते हुए ये कहा था कि जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगी रहेगी। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ गई है कि दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत के विरोध में जो ईडी ने याचिका दायर की थी उस पर कल यानी कि 25 जून दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगा। तो दोपहर 2:30 बजे 25 जून को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जमानत के विरोध में जो ईडी ने स्टे के लिए याचिका लगाई थी उस पर फैसला आ जाएगा। कल यानी कि 25 जून को यह पता चल जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी की याचिका थी उस पर हाईकोर्ट क्या फैसला सुना रहा है। क्या हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को जो निचली अदालत के द्वारा जमानत दी गई है वो जमानत को कायम रखते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल से निकलने का आदेश देता है जमानत पर, और या फिर जिस तरह से कहा गया कि जब तक आदेश नहीं आता तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगी रहेगी, निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी, वैसा ही कुछ देखने के लिए मिलता है। कल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से ये साफ हो जाएगा कि स्टे अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगा रहेगा या फिर वो तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आएंगे जैसा कि निचली अदालत का आदेश है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जो अंतरिम स्टे लगाया गया है उनकी जमानत पर, उस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की और उसके बाद ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 26 तारीख को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी, तब तक दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला भी इस मामले में जो ऑर्डर रिजर्व रखा गया था वो आ सकता है। और जैसा कि खबर आ चुकी है कि कल ही यानी कि 25 जून को ही हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला सुनाएगा, तो कल क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आएंगे या फिर उन्हें तिहाड़ जेल में रहना ही होगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को इसी साल ईडी ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था कथित शराब घोटाले मामले में। पहले ईडी ने 9 समन भेजे थे, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल उन 9 समन पर ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए तो उसके बाद ईडी अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 बार ईडी की कस्टडी में भेजा और उसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। हालांकि इस बीच उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत जरूर मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई से लेकर 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार किया और 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। और उसके बाद आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत की नियमित जमानत की और इंतरिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो नहीं दी, लेकिन जो वेकेशन जज न्याय इंदु हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल की रेगुलर बेल की प्ली पर उन्हें नियमित जमानत देने का फैसला दिया था 20 जून को, लेकिन इसी फैसले के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई थी और ईडी ने इंतरिम स्टे तो लगा ही दिया था लेकिन फैसला जस्टिस सुधीर जैन ने रिजर्व कर लिया था। अब फैसला आने की घड़ी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अगले 24 घंटे में साफ हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर निकल रहे हैं या फिर नहीं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।